देखो क्वेश्चन है, वेक्टर बी इज कॉलिनियर विद द वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, -1, -1 एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। व्हाट इज बी इक्वल टू? देखो वेक्टर कह रहा है बी कॉलिनियर का मतलब जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा उसी प्रोपोर्शनेट में उसका डायरेक्शन होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। प्रोपोर्शनेट तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए कह सकते हैं, उसी डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, इसका के कंपोनेंट 0 है, लेकिन वेक्टर ए में के कंपोनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। अब इसका मतलब और देख लो, सारे में देखो तो 1 बाई, अगर हम ऑप्शन ए में देखें, अगर हम 1/2 फैक्टर आउट करें तो सेम 2, -1, -1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर बी में 1/3 फैक्टर आउट करें तो 2, -1, -1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर 1/4 फैक्टर आउट करें तो 2, -1, -1 बन जाएगा। तो ए बी सी में डिफरेंशिएट अब कैसे कर सकते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 निकाल करके। ऑप्शन ए अब चेक करो, 1.2 तो 2 आएगा, फिर 1 × 1/2 1/2 आ जाएगा, फिर -1 × -1/2 तो ये 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 + 1/2 + 2 इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट ऑप्शन सीधा सीधा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहे हैं इफ पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इफ ए पी क्यू आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली वॉट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर। देखो इसके लिए जब भी ऐसा सवाल आता है, मैंने बोला है हमेशा कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करना। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। आप देखो हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब आप देखो पी क्यू किसका, पी किसका है मिड पॉइंट, ए बी का, ये पी हुआ, ठीक। क्यू किसका है, बी सी का, ये क्यू हुआ, और ये आर हुआ, ये आर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इफ ए पी क्यू आर द पोजिशन, इफ ए किसका पोजिशन वेक्टर है, ए का, ए इसका है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, जे कैप हो जाएगा। पी पी किसका पॉइंट है, पी का, तो ये देखो ये हाफ था तो पी क्या हो जाएगा, जे बाई 2, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, क्यू आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू रिस्पेक्टिवली, ये क्यू है तो क्यू किसका हो जाएगा, ये इधर आई होता है तो आई बाई 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, ये इस वाले आर का। अब आप देखो ये आई है, इसका पोजिशन वेक्टर यहां आई है, ये क्या है, जे, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, आई +0/2 और जे +0/2, यही तो होगा। अब इसी को अरेंज करना है कैसे, ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। अब आप देखो हमें आई बाय 2 चाहिए तो ए माइनस पी करेंगे, ए माइनस पी कर दिया तो आई, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो पी एज इट इज चाहिए, माइनस पी नहीं, क्यू क्यू ऐसे ही चाहिए, क्यू क्यू प्लस कर दिया आई बाय 2 आने के लिए, और जे बाय 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस पी। अब आप देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ए प्लस क्यू माइनस पी, ऑप्शन नंबर सी देखो इसमें, क्योंकि 1/2 ये सब कहीं नहीं है। ऑप्शन सी देखो, ए माइनस पी प्लस क्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इतने देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ लेंथ 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए 1, 1, 0 एंड बी 0, 1, 1। देखो कोई भी वेक्टर, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर कह रहा है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक प्लेन के ऊपर आएगा वेक्टर का डायरेक्शन, एक नीचे आएगा और दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल कितने वेक्टर्स होंगे, 2 वेक्टर्स होंगे वैसे, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके लिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट उस वेक्टर का लेंगे, एक प्लेन के ऊपर आएगा डायरेक्शन, एक प्लेन के नीचे आएगा और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो टोटल 2 वेक्टर्स वैसे पॉसिबल होंगे, ठीक है। सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी सी एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाई 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो जो आपका ए है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी है और ये यूनिट वेक्टर है, तो हम ए को के कैप मान लिया, तो बी और सी को आई और जे के ही टर्म में सिर्फ रहना चाहिए, वेक्टर बी को हमने मान लिया आई कैप, तो ये हमारा वेक्टर बी हुआ। और इससे 60 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड का आपका वेक्टर सी है, वेक्टर सी का कंपोनेंट अब हम लिख सकते हैं,
ये इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में तो cos 60, तो 1 बाई 2 आई कैप, और उस तरफ लिखेंगे तो √3/2 जे कैप। ये वेक्टर सी भी लिख लिया, अब तीनों को ऐड कर देना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो आई कंपोनेंट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 आई, जे कंपोनेंट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा √3/2 जे, और के कंपोनेंट के, इसका मैग्नीट्यूड अब निकालना है सीधा सीधा, सबका अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो हर कंपोनेंट का, 9/4 3/4 + 1 विच इज इक्वल टू, ये करोगे 12 + 4 = 3, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी डॉट सी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ए क्रॉस बी को एक पहले एक वेक्टर रिज्यूम करो और डॉट सी है, अब उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल उसके बराबर है, तो अगर हम ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लिया और सी इज इक्वल टू, अगर इनके बीच का एंगल 90 होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होगा तभी तो ये मॉड सी के टर्म्स में आएगा कुछ, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी और कॉस 0 1। तो अब देखो ए क्रॉस बी का मॉड और ये मॉड सी आ गया, अब इसको भी अगर इसके बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री मानेंगे तो ये आ जाएगा एक ये, तब आप ए और बी के बीच का एंगल 90 माने तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आप जानते हो कि इसका पैरेलल था वेक्टर सी के इसके डायरेक्शन का पैरेलल, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बी डॉट सी भी 0 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर सी एंड बी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखो दोनों लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, अब मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये लिखेंगे। अब आप कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कट जाना चाहिए, इस तभी तभी ये होगा, इसका मतलब थीटा को 90 रख दें तो आपस में कट जाएगा, इसका मतलब ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, बिल्कुल सही बात है भाई, पॉइंट नंबर ए 1 बिल्कुल सही। देखो अगला पॉइंट कहता है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे, अगर ए को आई कैप ले लो और बी को 2i कैप ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा 3i कैप, और राइट हैंड साइड भी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 3 बन जाएगा, राइट हैंड साइड भी आई का मोड लेंगे 1 और 2i का मोड लेंगे 2, 1 + 2 दोनों बराबर है लेकिन ऑर्थोगोनल है नहीं, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब पॉइंट 2 गलत है, पॉइंट 2 आपका गलत हो गया। देखो पॉइंट नंबर 3 है, कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, मॉड ऑफ ए प्लस बी देखो लिखे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 90 डिग्री कर ले तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और अगर हम स्क्वायर करते दोनों तरफ तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सही है, तो पॉइंट नंबर 1 और 3 सही है, पॉइंट नंबर 1 और 3 सही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस mj कैप माइनस 3nk कैप एंड 5i कैप प्लस 3mj कैप प्लस nk कैप आर सच दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिस्पेक्टिवली √14 एंड √35 वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मैग्नीट्यूड है और m और n के बीच में कह रहा है m के कितने वैल्यूज होंगे और n के कितने वैल्यूज होंगे। देखो भाई √14 है, √14 इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर है, √4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 9n2। एक तो क्लियर कट देख रहा है यार, एम इजकल टू प्लस माइनस 1, एन इजकल टू प्लस माइनस, ले सारे कोफिशियंट ऐड होके 14 बना रहे हैं, तो एम प्लस माइनस 1 ले लें तब भी सही, एन प्लस माइनस 1 ले लें तब भी सही, प्लस माइनस 1 का ख्याल कैसे है, स्क्वायर है भाई, नेगेटिव लेंगे तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या बनेगा। ठीक है, और कैसे हमने प्लस माइनस 1 का ख्याल है, जब कोफिशियंट देखा ऐड करके तो 14 बन रहा था। ठीक, अब √35 वाला भी कर लो, √35 इज इक्वल टू 25 प्लस 9m² प्लस n², इसमें भी कोफिशियंट ऐड हो करके भाई √35। और दूसरी बात, अब ऑप्शन देखो हाईएस्ट 2 वैल्यूज तक ही कह रहा है और 2 वैल्यूज हमें पहले ही मार्क करने से मिल गया, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी, m टेक्स 2 वैल्यूज एंड n टेक्स 2 वैल्यूज, तो
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। इससे भी एम का यही वैल्यू मिलेगा और एन का यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इफ एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ईच अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन, मॉड ऑफ ए प्लस बी लाइज बिटवीन 1 to 2, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन 2। देखो सिंपल सा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, एंगल भी दे रखा है, तो इससे इजी सवाल तो हो नहीं सकता। मॉड ऑफ ए प्लस बी कर ले तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30√3/2। ठीक है, अब इसमें कर लो तो 2√3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3.732। ठीक है, अब √3 करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यूज देखो ग्रेटर देन 1 बिल्कुल है, ऑप्शन बी देखो 1 और 2 के बीच में, भाई 4 से ये कम है तो 2 से कम आएगा, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है भाई, एक्जेक्टली 2 के बराबर है तो भाई 4 होना चाहिए था इसको, नहीं। ऑप्शन ए डी कह रहा है ग्रेटर देन 2, नहीं भाई 4 से इसको बड़ा होना चाहिए था तो नहीं। देखो ए और बी दोनों कह सकते हैं लेकिन आंसर में बी दे रखा है, लेकिन भाई ए भी सही है, भाई ग्रेटर देन 1 है ही वैल्यूज, और ऑप्शन बी ज्यादा फैक्ट कह रहा है कि एकदम बिल्कुल इसका डोमेन स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 और 2 के बीच में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक, लेकिन ए भी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है।